हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास है दोस्तों। इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ टॉप 3 कार के बारे में जिसका प्राइस अंडर 3 लाख होगा, यानी कि 3 लाख रुपए से कम कीमत में आपके लिए कौन सा कार बेस्ट होगा इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम मारुति ऑल्टो 800 की बात करते हैं। सबसे पहले हम इसके साइज से शुरू करते हैं दोस्तों। ऑल्टो का जो लेंथ है यानी लंबाई 3475 मिलीमीटर है और इसका विड्थ यानी कि चौड़ाई 1515 मिलीमीटर है और इसका हाइट यानी कि ऊंचाई 1475 मिलीमीटर है। दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस 160 मिलीमीटर है। दोस्तों बूट स्पेस की बात की जाए तो इसका बूट स्पेस 177 लीटर का है और इसमें आपको 13 इंच का टायर दिया गया है। दोस्तों चलिए इंजन डिटेल्स और माइलेज के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों मारुति सुजुकी ऑल्टो 800 में आपको 0.8 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जिसका मैक्सिमम पावर 48 BHP है और मैक्सिमम टॉर्क इसका 67 Nm का है और इसका माइलेज पेट्रोल पे कंपनी 22.5 क्लेम कर रही है, वहीं इसका माइलेज CNG पे 33 किलोमीटर का है और इसमें 5 सीटर का ऑप्शन दिया गया है। आप 5 लोग इसमें आसानी से बैठ सकते हैं और इसका इंटीरियर लुक काफ़ी सिंपल है और इसमें आपको ABS, EBD, एयरबैग्स और रिवर्स पार्किंग सेंसर का ऑप्शन भी दिया गया है और 12 वोल्ट का पावर आउटपुट सॉकेट और एयर कंडीशन आपको हीटर के साथ मिल जाता है। पावर विंडो भी इसमें आपको दिया गया है। प्राइस की बात की जाए तो इसका प्राइस 2.9 लाख रुपीज़ एक शोरूम से स्टार्ट होता है। तो दोस्तों इसके बाद हम रेनल्ट क्विड के बारे में बातें करते हैं। दोस्तों रेनल्ट क्विड के सबसे पहले हम इसके साइज से शुरू करते हैं। दोस्तों इसका जो लंबाई यानी कि लेंथ है 3679 मिलीमीटर है और इसका विड्थ यानी कि चौड़ाई 1579 मिलीमीटर है और इसका हाइट यानी कि ऊंचाई 1478 मिलीमीटर है। ये सभी के मामले में मारुति ऑल्टो से ये आगे है और इसका ग्राउंड क्लियरेंस 180 मिलीमीटर का है। बूट स्पेस की बात की जाए तो इसका बूट स्पेस 300 लीटर का है और इसमें 13 इंच के टायर दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों इसके इंजन डिटेल्स और माइलेज के बारे में जानते हैं। इसमें आपको 0.8 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है और मैक्सिमम पावर इस इंजन का 53 BHP है। टॉर्क इसका 72 Nm का है और इसका माइलेज कंपनी 25 क्लेम कर रही है। दोस्तों इसका 1.0 लीटर का इंजन भी आता है। तो दोस्तों इसका इंटीरियर लुक भी काफ़ी अच्छा है और इसमें आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एयर कंडीशन, हीटर और पावर विंडो जैसे फीचर्स आपको इसमें दिए गए हैं और सेफ्टी के लिए आपको इसमें रिवर्स कैमरा और एयरबैग्स जैसे फीचर सबको दिए गए हैं। 5 सीटर ऑप्शन के साथ ये आता है और इसका जो प्राइस है दोस्तों 2.8 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होता है। चलिए दोस्तों हम तीसरे कार यानी डटसन रेडी गो के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों इसके साइज से शुरू करेंगे। दोस्तों इसका जो लेंथ है 3429 मिलीमीटर है यानी कि लंबाई, और अल्टो और रेनल्ट क्विड से इसका जो लंबाई है कम है। विड्थ की बात की जाए तो इसका विड्थ 1560 मिलीमीटर है और हाइट की बात की जाए तो इसका हाइट 1541 मिलीमीटर है और इसका ग्राउंड क्लियरेंस 185 मिलीमीटर का है। बूट स्पेस की बात की जाए तो दोस्तों इसमें आपको 222 लीटर का बूट स्पेस मिलता है और इसमें 13 इंच के टायर दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों इसके इंजन डिटेल्स और माइलेज के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इसमें आपको 0.8 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जिसका मैक्सिमम पावर 54 BHP है और मैक्सिमम टॉर्क इसका 72 Nm का है और इसका माइलेज कंपनी 22.7 क्लेम कर रही है। तो चलिए दोस्तों इसके इंटीरियर सीटिंग और फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इसका इंटीरियर लुक काफ़ी अच्छा है दोस्तों, सिंपल लुक है और एयर कंडीशन आपको दे दिया गया है, पावर विंडो भी आपको मिल जाता है और दोस्तों इसमें आपको एयरबैग्स भी दिए गए हैं सेफ्टी के लिए। और सीटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो इसका सीटिंग कैपेसिटी जो है दोस्तों 5 सीटर का है और काफ़ी कंफर्टेबल है ऑल्टो के हिसाब से। तो दोस्तों आपको इसमें से कौन सा कार पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर लेटेस्ट वीडियोज़।